तो सो गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है आप लोगों को दिखाएंगे एफआई ग्लैमर जो बाइक है उसमें काफ़ी सारे मैकेनिक जो काम करते हैं, जो फ्यूल इंजेक्टर अगर ख़राब हो जाता है, फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है तो उसे कार्बोरेटर सिस्टम बना देते हैं। तो सो गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है एफआई ग्लैमर जो बाइक है, किस तरह से कार्बोरेटर सेटिंग करे, किस तरह से जैसे कि तेल को ऑफ ऑन करे टंकी, किस तरह से सीडीआई कॉइल लगाए, तो गाइस इस वीडियो में हम बताएंगे वही बाइक का वायरिंग रहेगा, जो वायरिंग हार्नेस रहता है वही रहेगा, सीडीआई कॉइल अटैच करेंगे और बाइक में तेल ऑफ ऑन करने का जो सिस्टम है वो भी करेंगे और बाइक में कार्बोरेटर भी हम लोग आसानी से सेटिंग कर देंगे, जैसे कि नॉर्मल बाइक बना देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का खर्चा भी नहीं आएगा। तो गाइस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो किस तरह से आप लोग सीडीआई कॉइल को अटैच करें, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक कार्बोरेटर तो लगा देते हैं बट जो हम लोग का इग्निशन लाइन है उसको फाइव सिस्टम ही रख देते हैं, तो बाद में कोई भी अगर सेंसर ख़राब हो जाता है तो बाइक में करंट का प्रॉब्लम आता है। तो सो गाइस आज हम आपको बताएंगे आप लोग जो कार्बोरेटर फिटिंग करते हो तो हाँ आप लोगों को ऐसा अनुभव तजुर्बा होना चाहिए, जो कार्बोरेटर तो हम लोग फिटिंग कर देते हैं बट इग्निशन लाइन जो है हम लोगों को नॉर्मल करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और 100% करके दिखाएंगे जो एफआई वाला बाइक को नॉर्मल ग्लैमर किस तरह से बनाइए। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सो गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है एफआई वाला ग्लैमर बाइक और इस बाइक में जैसे कि पूरा प्रॉब्लम हो रहा था, जो इस बाइक का हम लोगों का जो फ्यूल इंजेक्टर है और फ्यूल पंप ये पूरा प्रॉब्लम कर रहा है। तो गाइस ये जो फ्यूल पंप है ये भी ख़राब हो चुकी है और एक इंजेक्टर जो है ये इंजेक्टर भी ख़राब हो गया है इसके अंदर जो है, और ये जो थ्रॉटल बॉडी है ये ठीक है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये फ्यूल पंप का कीमत बहुत ही ज़्यादा है और फ्यूल इंजेक्टर का भी कीमत जैसे कि 3,500 के ऊपर है, तो दोनों मिला से 15,000 रुपया गिर जाता है। तो गाइस ये जो पुरानी वाली बाइक है इस पर अगर हम लोग 15-20,000 खर्चा कर दे तो बाइक का जो कीमत है हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो सवाल कीमत का नहीं है, सवाल है इस बाइक को रनिंग करना है। कोई कोई कस्टमर खर्चा करके ठीक कर लेता है लेकिन कोई 15-20,000 एक पुरानी बाइक में अगर खर्चा ना कर पाएंगे तो वो क्या करेगा, बाइक को तो रनिंग करना है। तो सो गाइस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बगैर थ्रोटल बॉडी फ्यूल पंप कुछ भी नहीं बाइक में लगाएंगे, सिर्फ हम लगाएंगे बाइक में कार्बोरेटर लगाएंगे और जितना भी वायरिंग का सिस्टम है हम सिस्टम कर देंगे जैसे कि सीडीआई सिस्टम। तो इस बाइक में हम लगाएंगे सीडीआई कॉइल और कार्बोरेटर, तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो गाइस मैंने कुछ मैनेज किया है, जैसे कि मेरा हमारा जैसे कि एफआई वाला हेड है तो इसमें हमको कार्बोरेटर का जैसे कि एक मुंह लगाना पड़ेगा, तो ये शेडिंग नहीं खाएगा, ठीक है ये शेडिंग नहीं खाएगा। तो मैंने किसी से मैनेज किया था और ये था उसके पास इंजन, तो ये आसानी से लग जाएगा, ये आसानी से लग जाएगा। तो इसे हम फिटिंग करूँगा और जितना भी इसका पार्ट्स वगैरह है खोल के मैं इस हीट पे लगा दूँगा, ठीक है इस हीट पे लगा दूँगा, शेडिंग कर दूँगा और ये शेडिंग हो जाएगा। और मैं पुरानी वाली कार्बोरेटर में लगाऊंगा क्योंकि इसे वॉश वगैरह करूंगा, करके चेकअप करूंगा जो बाइक सही चल रहा है कि नहीं, अगर ख़राब चलेगा तो न्यू कार्बोरेटर लगा दूंगा। पहले मैं पैसा वेस्ट नहीं करूंगा, पहले पुराना चीज़ में हम जाएंगे, अगर मेरा चीज़ कोई भी ख़राब रहता है तो हम क्या करेंगे उसमें नया लगाएँगे। तो जब भी हेड को रिपेयरिंग करेंगे और कार्बोरेटर को न्यू भी आप डाल सकते हैं, बट मेरे पास है अच्छे बाइक का तो मैं इसे लगाऊँगा। अब गाइस एक चीज़ सवाल आती है, जो बाइक में अगर सीडीआई कॉइल हम लोग अटैच करें तो बाइक में जो हम लोगों का मैग्नेट में एक हम लोगों का सेंसर का माप होता है, यहाँ देखिए, तो ये है एफआई वाला इंजन है जिसमें काफ़ी सारे हम लोगों का पॉइंट मिलता है। तो ये मैग्नेट अगर हम लोग बाइक में लगा दें तो जो हम लोगों का पिकअप कॉइल होता है क्रैंक पोजिशन सेंसर वो महसूस नहीं कर पाएंगे जो हम लोगों का पिस्टन टॉप में गया है या नहीं गया है, तो उसके कारण बाइक में करंट नहीं आएगा सीडीआई कॉइल अगर हम लोग लगा दें तो। तो गाइस मैंने दूसरे बाइक का जो नॉर्मल सुपर स्प्लेंडर बाइक का मैग्नेट कॉइल मैग्नेट है मैंने बाइक में अटैच कर दिया है और इसमें वोल्टेज अच्छी तरह से आ रही है।
लेकिन हाँ, आर्मेचर कॉयल इस बाइक का भी मैंने रखा है एफआई का, क्योंकि आपने देखा जो इस तरह से केपलर आता है एफआई बाइक में, और नॉर्मल में आता है जैसे कि इस तरह से आता है, देखिए ये नॉर्मल में इस तरह से आता है कपलर, ठीक है, आर्मेचर कॉयल का। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें हम लोगों का चार वायर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, और इसमें हम लोगों का जैसे कि तीन वायर, ठीक है। तो गाइस इसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा एक जैसे कि एसी करंट और बॉडी अर्थिंग और पिकअप कॉयल। अब आप लोग शायद सोच रहे हैं चार वायर किस काम का यहाँ, तो गाइस एफआई वाला इंजन में जैसे कि दो वायर निकलता है आर्मेचर कॉयल से, और एक सफ़ेद वाला वायर जो है उसमें करंट आता है एसी करंट, और हरा कलर के वायर में बॉडी अर्थिंग। तो इसमें देखिए जो ब्लू में जो पीला है इसको हम मेन डाल देंगे, पिकअप कॉयल का रीडिंग चेकअप करेंगे, और सफ़ेद में जो हम लोगों का पीला कलर है इसको हम लोग बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। तो क्या होगा अगर इसको बॉडी के साथ अटैच कर दे कहीं भी, तो हम लोगों का पिकअप कॉयल एक ही हो गया। अब तीन वायर को हमको काम करना है, तो CDI में ले जाके पिकअप कॉयल को भरेंगे, और रेगुलेटर चार्जर में ऑटोमेटिक चल जाएगा जो वाइट कलर की वायर है, और ये बॉडी अर्थिंग में हरा कलर की वायर चल जाएगा। अब हम आपको CDI का जो सिस्टम है वो हम आपको बताते हैं। मेरे पास CDI कॉयल भी है, जैसे कि ये मेरे पास वायरिंग है, तो चलो एक CDI कॉयल निकालते हैं। तो गाइस मेरे पास CDI कॉयल है, इसमें हम लोगों का चार वायर है एक ही कपलर है, तो इसमें हम शेडिंग करेंगे जैसे कि 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और एक बॉडी अर्थिंग देंगे, और एक पिकअप कॉयल देंगे। तो इनपुट लाइन ऑटोमेटिक चल जाएगा और आउटपुट ऑटोमेटिक इग्निशन कॉयल को दे देगा। तो गाइस ये लाइन हम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे वो भी सब कुछ करके दिखाएंगे। और असल बात है जो बाइक में हम लोगों का एक होता है टैंकी का प्रॉब्लम, तो गाइस बाइक में टैंकी में भी हम लोगों को वॉक ऑन करना है, क्योंकि इसका सिस्टम नहीं है। देखो ये लेद में जाके हमने बनाया है इस पैच को, ठीक है, और इसके अंदर हम एक छेद करेंगे। छेद करने के बाद इतना सा कट के फैल देंगे, कटने के बाद ये हम लोग का पेट्रोल टैप जो है हम लोग इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। तो सो गाइस जैसे कि मैंने बाइक में हेड सेटिंग कर लिया, आप लोगों को दिखाया था जो हेड में हम लोगों का इसमें सक्शन अलग है, इसका नट बोल्ट का जो सिस्टम है इसका अलग है, और कार्बोरेटर जो बाइक में रहता है उसका अलग है। तो मैंने ये फैलेंजर जैसे कि ये अटैच कर लिया सक्शन वाला, और ये लगा दिया है। अब सवाल है बाइक में इग्निशन लाइन के लिए, तो आप लोगों ने देखा ये CDI कॉइल, जैसे कि इसको खोल डालो, इसको खोल डालो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि FI बाइक में जब हम करेंगे कार्बोरेटर सिस्टम तो इसका करंट भी सिस्टम भी हम कर देंगे नॉर्मल, जो CDI मैंने अटैच कर दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे जो CDI में हम लोग कनेक्शन किस तरह से करें, और इसका कनेक्शन इनपुट आउटपुट लाइन हम लोग किस तरह से करें, सब आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए खोल लिया है, देखो ये हमारा डिशू खोला हुआ है, और कोई हम लोगों का ज़रूरत नहीं, रख दीजिए इसको। अब बाइक में करंट भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए बाइक को इग्निशन ऑन किया, हाँ देखो ऑन आ रहा है। अब इस पर प्लग का कैप खुली है, बाइक में किक मारो जाओ। तो गाइस यहाँ देखिए करंट इसका आ चुकी है, देखो एकदम चट चट करके आ रही है। तो गाइस बाइक में VCU भी खुला हुआ है, और CDI मैंने अटैच कर दिया है, और ये बिल्कुल बाइक FI था। तो आप फैलेंजर देख के पूछ सकते हैं, जो हॉर्स पाइप का रवार है ये आपको देख के पता चल गया है जो बाइक FI था, इसको भी काटेंगे। तो चलिए हम बताते हैं वायरिंग के बारे में। सुपर स्प्लेंडर बाइक में हम लोगों को हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, जो चार वायर अटैच होता है, चार वायर का काम ये भी आप लोगों को बताया, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए रेड में जो ब्लैक कलर की वायर होता है ये हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा, और यहाँ हरा कलर की जो वायर है इसमें हम लोगों का बॉडी अर्थिंग आएगा, और पिकअप कॉयल का जो वायर है ब्लू में पीला या पिकअप कॉयल आएगा, और ये हम लोगों का आउटपुट कॉयल वायर है। अब गाइस एक चीज़ आपको बताता हूँ, FI का जो इंजन का सिस्टम है वो अलग है। चलिए ऊपर चल बताइए, ऊपर चलिए। हाँ आपको दिखा रहा हूँ जो नॉर्मल ग्लैमर FI का है, यहाँ तीन वायर होता है और इसमें चार वायर, तो वो काम चले आपको बताता हूँ तब आपको पता चलेगा। तो गाइस यहाँ देखिए जो पीला में वाइट है और
ब्लू में व्हाइट, ये दोनों हम लोगों का पिकअप कॉइल का वायर है। जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है वो हम लोगों का अलग अलग से आती है, कहीं भी टच नहीं है बॉडी का साथ। जो FI इंजन में लगता है दो डायरेक्ट चल जाता है इशू कंट्रोल पर। तो फिलहाल इस बाइक में हम लोग CDI कॉइल अटैच करेंगे, तो हमको इशू कंट्रोल को देने का ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ जैसे कि एक वायर को हम यहाँ सिर्फ शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करना पड़ेगा वरना बाइक में करंट नहीं आएगा। तो जैसे कि हम लोगों का ये दोनों वायर जो है पिकअप कॉइल का है, तो मुझे पिकअप कॉइल का सिंगल वायर लेना है और एक वायर को बॉडी कर देना है। तो हरा कलर का जो वायर है और सफ़ेद में जो पीला है इसका साथ हम इसको शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इस कपलर में हमने बॉडी अर्थिंग शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि पिकअप कॉइल एक वायर हमने बॉडी अर्थिंग के साथ संपर्क कर दिया और सिंगल जो है वो हम लोग का CDI कॉइल पर चल जाएगा। तो चलो अच्छी तरह से लगा लेता हूँ, अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए इसमें अटैच कर देता है। तो गाइस इसमें अटैच कर दिया है। अब यहाँ देखिए एक वायर जो हम लोग का पिकअप कॉइल का है जो ब्लू पे पीला है ये हमने चला गया है। जैसे कि ये वायर देखिए, ये वायर यहाँ कलर देखिए और यहाँ कलर देखिए, तो पिकअप कॉइल में हमने इसको पिकअप कॉइल का वायर यहाँ में अटैच कर दिया, ठीक है। अब सवाल है 12 वोल्ट हम कहाँ से दें। तो गाइस 12 वोल्ट जो हम बैटरी से अगर दे दें तो बाइक बंद नहीं होगा, अगर चाबी का स्विच बंद कर दें तो बाइक स्टार्ट पे रहेगा। तो वो भी आपको बताता हूँ, यहाँ ये तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई इस जगह पर लेना है। अगर बाई चांस बाइक में बैटरी नहीं रहता है तो भी जैसे कि 12 वोल्ट की सप्लाई इग्निशन ऑन करने के बाद आना चाहिए, उसी जगह से आपको वोल्ट लेना चाहिए। और अगर आप सोचेंगे कि 12 वोल्ट हम बैटरी से दे देंगे और बाइक तो स्टार्ट हो जाएगा, बट बाइक हम स्टार्ट कर बंद करेंगे तो बंद नहीं होगा। तो गाइस यहाँ देखिए एक ब्रेक स्विच होता है ना, यहाँ देखिए ये जो पीछे का ब्रेक स्विच होता है, इग्निशन ऑन करने के बाद हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आती है काला वायर पर। तो यहाँ देखिए ये हमारा ब्रेक स्विच का कपलर है, जो काला वायर की वायर है, काला वायर जो है ये हम लोग का 12 वोल्ट की सप्लाई आते हैं इग्निशन ऑन करने के बाद। हमने इसमें वोल्ट ले लिया यहाँ से ब्रेक स्विच से, तो ब्रेक स्विच से जब हम यहाँ वोल्ट ले लिया, अगर बाई चांस बाइक में बैटरी नहीं रहता है वह बैटरी ख़राब हो जाता है तो भी हम लोग का जो रेगुलेटर चार्जर है उससे हम लोगों का वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल है वोल्ट भी दे दिया, पिकअप कॉइल भी दे दिया, अब बॉडी अर्थिंग कहाँ से दे। तो गाइस बॉडी अर्थिंग आप कहीं से भी दे सकते हैं, बट मैंने दे दिया बैटरी का जो मेन टर्मिनल है इससे दे दिया, क्योंकि यहाँ से बॉडी का जो संपर्क है अच्छा से अच्छी से पाता है, तो मैंने यहाँ से दे दिया। तो पिकअप कॉइल, वोल्ट, बॉडी अर्थिंग। अब सवाल है जो इग्निशन लाइन में हमको ये देना है आउटपुट वायर, तो हमने इसको लगाया यहाँ उस पर ले चलिए। आउटपुट वायर है पीला में ब्लैक है, तो हमने इग्निशन कॉइल पर एक लगा दिया है और एक वायर को हमने बॉडी के साथ संपर्क कर दिया है। तो हमको बॉडी यहीं से मिल गया, बॉडी चैसिस से, और मेन वोल्ट हम यहाँ से दे दिया और बाइक में इग्निशन काम करेगा। अब सवाल है हम आपको बंद करके भी दिखाते हैं, ऑन करके भी दिखाते हैं। और देखो बाइक में कोई भी सेंसर लगा हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ सब कुछ हमने खोला हुआ है। थ्रॉटल बॉडी दीजिए, देखिए इंजेक्टर भी खुला है और थ्रॉटल बॉडी भी सब कुछ खुला है, कोई भी पार्ट्स बाइक में लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं उस पार दिखाता हूँ, आइए। इशू कंट्रोल भी खोल दिया है, अब हम यहाँ बैक एंगल सेंसर है इसको भी हम खोल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। खोल लिया है बैक एंगल सेंसर का, भी कोई भी सेंसर लगा हुआ नहीं है, इशू भी लगा नहीं है, ठीक है। अब हम आपको करंट दिखाते हैं, तो चलो बाइक में हम करंट दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए अच्छी तरह से दिखाइए, करंट आ रही है, चाबी को बंद करो, अब बाइक में किक मारो, मारो, देखो कोई भी करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी करंट नहीं आ रहा है। अब चाबी ऑन करो, मारो, अब देखो करंट बराबर आ रही है, बस छोड़ दो। तो गाइस आप लोगों ने देखा बाइक में कोई भी सेंसर लगा हुआ नहीं है, सब कुछ खोल लिया है और बाइक में CDI कॉइल मैंने अटैच कर दिया है। अब बाइक करंट भी आ रही है, बाइक स्टार्ट भी हो जाएगा। तो चलो अब हम बाइक में बाकी का प्रोसेस करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जो बाइक में पेट्रोल होता है, टैंकी का व्यवस्था करते हैं और कार्बोरेटर हम लगाते हैं, लगाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं।
तो सो गाइस, मैं आया हूँ अभी लेथ पर और मास्टर लेथ है ये, और हम यहाँ छोटे मोटे बाइक का जो प्याज वगैरह है यहीं से बनाते हैं। तो यहाँ हम प्याज बनाते हैं जो पेट्रोल टैप लगाना है बाइक में, और तेल को ऑफ ऑन रिजर्व सिस्टम करना है। तो मैंने एक पाइप लिया था लोहा के, और लेने के बाद देखो ये हम आसानी से इसको प्याज बना दिया है और इसको थोड़ा सेटिंग कर रहा है। तो देखिए इस तरह से आप लोग भी कोई पाइप लेके बना दीजिए, 100% हो जाएगा। तो सो गाइस, आप लोग देख रहे हो मैं टैंकी को भी मैंने यहाँ वेल्डिंग कर लिया है, और ये जो पैच है पैच भी कराया है, और ये आसानी से हम लोगों का शेडिंग हो जाएगा। इसके अंदर भरेंगे और थोड़ा जाएगा, बस एक वाशर देना पड़ेगा। ये बोरिंग डालना पड़ेगा वरना पेट्रोल लीक करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे डाल देता है और इसके अंदर अटैच कर देंगे। बस ऑफ ऑन हो चुकी है, तो चलो बाकी का चीज लगा दिया है। बट ये मैंने लगाया इसलिए है, इसको मुझे बंद करना था वरना पेट्रोल गिरेगा। और इसका भी एक रीज़न है, जो बाइक में हम लोगों का एक मोटर होता है और एक हम लोगों का बाइक में फ्यूल देखने के लिए होता है। इसमें चार वायर होता है, तो दो वायर को हम कट डालेंगे और दो वायर को रखेंगे, क्योंकि मुझे फ्यूल भी देखना है मीटर कंट्रोल में, बाइक में कितना फ्यूल है या फ्यूल ख़त्म होने वाला है। तो दो वायर को कट देंगे, जो फ्यूल पंप चलाते हैं उस वायर को कट देंगे, और जो वायर हम नहीं कटेंगे सिर्फ दूसरा वायर कटेंगे। तो चलो हमने कंप्लीट कर लिया, बाइक में भरते हैं और टैंकी का जो पेट्रोल है डाल के बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। करना पड़ेगा और शेडिंग करना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो एयर फिल्टर को शेडिंग भी कर दिया है, और यहाँ देखिए कार्बोरेटर के साथ संपर्क में आ चुकी है, और इसका एयर जो है मिक्सिंग अच्छी तरह से होगा और कोई ख़राब नहीं है। तो गाइस आप लोग देखिए, यहाँ सब कुछ बाइक का सेंसर खुला हुआ है, बैक एंगल सेंसर है, इशू है, थ्रॉटल बॉडी है, और बाइक में कार्बोरेटर फिट कर लिया है और CDI भी अटैच कर लिया है। तो चलो बाइक को स्टार्ट करो और दिखाओ। देखो बाइक एकदम 100% स्टार्ट हो गया है और पिकअप भी सही आ रहा है। बंद करो, पैर से किक मारो, पैर से मारो, चाबी ऑन करो। कोई भी सेंसर लगा हुआ नहीं, सब कुछ खुला हुआ है। तो गाइस ये जो वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, बंद कर दो बाइक को। तो गाइस ये जो वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, FI बाइक को हम लोग नॉर्मल भी कर सकते हैं आसानी से। अगर आप लोग मेरा वीडियो ये देख के डाउनलोड करके आप लोग 100% कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।